एवरीवन, इट्स शालिनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी इस वक्त मैं अपने गांव में हूँ, उड़ीसा में हूँ। दिस इज माय ग्रैनीज हाउस एंड आई वांट टू डू अ स्पेशल हाउस टूर। जैसा रॉ रहते हैं हम लोग यहाँ पे गांव में, वैसा मैं आपको पूरा घर दिखाना चाहती हूँ। आई हैव नेवर डन अ हाउस टूर ऑन माय चैनल। दिस इज गोना बी वेरी फर्स्ट हाउस टूर। आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस, सो लेट्स बिगिन, लेट्स गो। ओके, सो दिस इज द एंट्रेंस एरिया। एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड, यहाँ पे तुलसी का पेड़ है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। दीदी जस्ट पैन द कैमरा ऑन द राइट साइड ना अ बिट। माय सिस्टर इज हेल्पिंग मी टू फिल्म दिस हाउस टूर। थोड़ा सा खसरा खसरा, मतलब फिसलने वाला हो गया है ये, एलगाई हो गई ना, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी इसकी वजह से। इट्स वेरी प्रीटी, आई लाइक दिस एरिया ऑफ दिस हाउस। लाइट नहीं है गाइस, सो इट्स वेरी हॉट टुडे। ओके, सो हम लोग यहाँ से एंटर होके आए थे। दिस इज द वरांडा ऑफ द हाउस। यूजुअली जो ठाकुमा है, दैट इज मेरे पापा की मॉम, यहीं पे बैठी रहती है, यहीं पे सोती भी है। दिस इज हर फेवरेट काइंड ऑफ अ प्लेस। जैसा रॉ है घर में आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। नाउ वी आर गोना एंटर द हाउस, सो जस्ट पैन द कैमरा ऑन द राइट साइड ना दीदी, जहाँ पे सुषमा आंटी खड़ी है। सो बुद्धि आंटी के बाद दिस सुषमा आंटी, जो मेरे पापा की बहन है। सो मेरे पापा की तीन बहनें हैं और एक भाई है, ठीक है। सो बुद्धि आंटी के बाद सुषमा आंटी। तो चलो लेट्स एंटर द हाउस नाउ। सो हम लोग यहाँ से अभी एंटर हुए थे। एंटर करने के बाद ये बहुत बड़ा सा हॉल है, बहुत ही सुंदर ये हॉल। यहाँ पे मेरी बहुत सारी यादें हैं। हम लोग समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में सारे कजिन्स बस यहाँ पे गद्दा बिछा के सो जाया करते थे। अभी तो मैं बड़ी हो गई ना, तो ये छोटा छोटा सा लगता है मुझे, बट आई हैव सो मेनी गुड मेमोरीज हियर। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरी ठाकुमा बैठी हुई है। उनको ओडिया आती है, उनको हिंदी थोड़ी बहुत ऐसे समझ में आती है, थोड़ी बहुत, बट इंग्लिश नहीं आती उनको। सो मीट माई ठाकुमा यू गाइस। पापा इज कॉलिंग ठाकुमा। बोरी खाते खाते फोटो ले रहे हो। ये अब ड्राइंग रूम बन चुका है। हाफ ऑफ दिस इज ड्राइंग रूम। सो आप देख सकते हो यहाँ पे तीन सोफा है, थ्री सीटर एंड टू सीटर। सेम सोफा हमारे घर पे, ठीक है। माय फादर इज इन रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, तो आप समझ जाओ बस लकड़ी का सामान आपको काफी दिखेगा इधर उधर। ऑलराइट, सो वी ऑल्सो हैव अ टीवी हियर, जहाँ पे सब उड़िया सीरियल देखते हैं। ऑलराइट, और हिंदी भी देखते हैं। सुषमा आंटी कह रही हिंदी भी देखते हैं यहाँ पे। सो हॉल के उस तरफ ड्राइंग रूम था, और हॉल के इस तरफ दिस इज द डाइनिंग एरिया, वो भी लकड़ी का ही है। यहाँ पे बैठ के खाते हैं हम लोग। पहले बचपन में हम लोग नीचे से बैठ के खाया करते थे, बट अब कुछ लोग ऊपर बैठते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते थे यहीं पे नीचे बैठ के खा लेते। किचन में भी हम लोग ने बैठ के खा रखा है नीचे से चटाई बिछा के। सो डाइनिंग एरिया इज वेरी सिंपल, दिस इज फोर सीटर। एंड नाउ आई एम गोना शो यू टू रूम्स जो कि इस हॉल से कनेक्ट होती है। मैंने आपको बताया था ना दो रूम है। सो दिस इज द फर्स्ट रूम। इस रूम में जो काम की चीज है वो है, ठीक है। लेट्स एंटर द रूम, कम ऑन। यहाँ पे एक बेड है जो कि मैं बचपन से देखी आ रही हूँ, ये बेड यहाँ से हिला ही नहीं है तब से। ऑलराइट, राइट साइड में एक अलमीरा है जो कि गोदरेज का अलमीरा होता था, वो वाला अलमीरा है। और इसे क्या, इटा कौन कौन थी बुद्धि आंटी? थाली ना, रेक तक कौन थी? ये आपको ना उड़िया घर में मिल जाएगा, सबके घर में है ये। अरे थाकोटा इटा ना लेफ्टा, चंदा पीछे थको थको चला रही है। सो लेफ्ट में जो शेल्फ है, दिस इज थाको, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा था, फिर मैंने चंदा से कल पूछा कि इसको कहते क्या है उड़िया में। सो इट्स अ शेल्फ, सिंपल सा है ये रूम, बट काम की चीज है। यहाँ पे एसी भी लगाया गया है ऊपर। ऑलराइट, अभी तो लाइट नहीं है तो एसी में ऑन नहीं कर सकती, वरना ऑन करनी तो मुझे इतना पसीना नहीं आ रहा होता इस वक्त, बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे। और यहाँ पे दो विंडो है इस रूम में। एक विंडो जो है वो गौड़िया स्लैश तालाब को कनेक्ट करता है। वो तालाब हमारा नहीं है, हमारे पड़ोसियों का है। और वो जो पड़ोसी हैं वो मेरे ठाकुर पापा, मतलब मेरे दादाजी के भाई हैं। ऑलराइट, सो नाउ आई एम गोना शो यू द सेकंड रूम विच इज द पूजा रूम। तो वो था पहला रूम, पहले रूम के बगल में ही है पूजा रूम। दिस इज काइंड ऑफ ठाकुमा का रूम एज वेल, यहाँ पे वो अपनी सारी चीजें रखती हैं, सामान रखती हैं। सो लेट्स एंटर द रूम, लेट्स सी द रूम नाउ। सो दिस इज द पूजा रूम, यहाँ पे ठाकुमा के सारे ठाकुरों बैठे हुए हैं। ठाकुरों मतलब भगवान जी कहते हैं।
सो बहुत ही सुंदर तरीके से ठाकुर माँ पूजा करती है यहाँ पे. मैं जब भी आती हूँ आई जस्ट गेट मेसमराइज बाई इट, क्योंकि बहुत टाइम लेती है बट बहुत अच्छे से करती है. और एक चीज़ मैंने ठाकुर माँ मैंने नोटिस किया, जब वो खाना भी खाती है पानी भी पीती है, वो हमेशा भगवान को ऐसे प्रे करती है उसके बाद पानी या खाना लेती है वो. सो भगवान का इंपॉर्टेंस ठाकुर माँ की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है, समझ जाओ. ठीक है, दिस रूम इज जस्ट लाइक हाउ यू विल फाइंड एनी गांव का घर. बहुत कुछ सामान रखा है यार, मूढ़ी रखा हुआ है यहाँ पे, ठाकुर माँ का सामान रखा हुआ है, ऊपर पुराना टीवी रखा हुआ है शेल्फ में. सो इट्स लाइक अ टिपिकल गांव का घर, बट ऐसे ही होता है यार गांव में. और कैसा मिलेगा आपको घर यहाँ पे. वो सोती नहीं है क्योंकि वो सोती है बाहर, और वो अकेली ही नहीं सोती है. मेरी एक और बुआ है जो कि इस वक्त कहीं होंगी वो घर पे, उनके साथ वो सोती है. ठीक है, सो लेट्स गो सी द किचन नाउ. डाइनिंग एरिया से कनेक्टेड, आई मीन जो हॉल मैंने आपको दिखाया ना, वहां से दो रूम भी कनेक्टेड है और ये किचन भी एक्चुअली कनेक्टेड है. ऑलराइट, सो किचन मैं आपको दिखा देती हूँ. लेट्स एंटर द किचन. यहाँ पे बहुत लाइट आती है, यहाँ पे नीचे बैठ के खाने में बहुत ज्यादा मजा आता है. बस ये है कि हमको हवा लगनी चाहिए, जो कि यहाँ पे राइट साइड में एक दरवाजा है, वहां से हवा आती रहती है. तो ऐसा नहीं कि हमको गर्मी से मर जाते हैं, हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के सब खा लेते हैं. यहाँ पे ऐसे सर्कल बन जाते हैं और सब खाना पीना कर लेते हैं. वी हैव अ गैस हियर, ऑल द यूटेंसिल्स आर हियर, वी आल्सो हैव अ फ्रिज हियर, और जो छोटी मोटी चीजें होती हैं वो भी रखा गया है यहाँ पे. बहुत सारा हॉर्लिक्स का डब्बा मिलेगा क्योंकि ठाकुर माँ हॉर्लिक्स पीती है ना. क्या इट्स अ सिंपल वेरी क्यूट किचन. वो जो दरवाजा है वो कभी खुलता नहीं है सामने वाला, क्योंकि रात को ना यहाँ पे कीड़े बहुत आते हैं. ठीक है, दिन में तो नहीं आते कीड़े, मतलब उड़िया में तो फुक्को वगैरह बहुत आ जाते हैं, उसे हमेशा बंद रखते हैं. बट ये वाला जो खिड़की वो हमेशा खुला रहता है. सो नाउ देयर इज टू मोर थिंग्स टू शो यू इन दिस हाउस. That is the entrance to another room and the washroom area. So let's go. So this was the kitchen, ठीक है, और kitchen के बगल से जा रहा है ये corridor. Corridor के right side पे है एक और room जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी. And इस corridor में एक अलमीरा रखा हुआ है और अलमीरा के पीछे एक दरवाजा है जो कि पूजा रूम को कनेक्ट करता है. वो दरवाजा हमेशा बंद रहता है क्योंकि अलमीरा रखा गया ना यहाँ पे. अलमीरा में भी बहुत सारा सामान है और कॉरिडोर में दो गद्दे रखे हैं कि अगर कोई आए और एक्स्ट्रा लोग हो गए और सोने की जगह नहीं है तो वो गद्दा बिछा के भी सो सकते हैं. ठीक है, गुदरियां भी रखी हुई है, आई थिंक अलमीरा में रखी हुई है गुदरियां, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, गुदरिया गुदरी होती क्या है मैं आपको बता देती हूँ. जो पुराने कपड़े होते हैं ना उसे मिक्स मिक्स करके सब ऐसे सिल सिल के गद्दा टाइप का बनाते हैं ताकि पुराने कपड़े भी यूटिलाइज हो जाए. लेट मी शो यू वन मोर रूम दैट वाज लेफ्ट एंड देन आई विल शो यू द वॉशरूम, आई मीन द बाहर वाला एरिया ऑफ द वॉशरूम. All right, this is the last room of this house. हम लोग वहाँ से अभी एंटर हुए और इस रूम में भी जो जरूरत का सामान है वो है, एक बेड है. इट्स वेरी हैवी, इट्स लकड़ी का बेड, बट बेड इज वेरी प्रिटी. ऑलराइट, एंड सेम रैक रखा हुआ है. रैक में कलमीरा भी, ये वाले रैक में यहाँ पे जो कपड़े आप पहन चुके हो वो रख सकते हो, जो कपड़े आपको घड़ी करने वो रख सकते हो, ऑल दैट. यहाँ पे पेटी रखी हुई है, पेटी में खूब सारे सामान है, एक्स्ट्रा गद्दे तकिया वगैरह रखा गया है. और राइट साइड में है मच्छरदानी. यहाँ पे बहुत ज्यादा मच्छर काटते हैं क्योंकि आसपास बहुत जंगल टाइप का एरिया है, तो मच्छर कीड़े वगैरह बहुत आते हैं यहाँ पे, इसलिए ये हमेशा ऐसे अटैच ही रहता है. एंड यहाँ पे राइट साइड में ड्रेसिंग एरिया है पूरे घर में, दिस इज द ओनली ड्रेसिंग एरिया. यहाँ पे लाइट भी काफी अच्छी आती है, तो यहाँ पे आप रेडी हो सकते हो अगर आपको फुल आपका आउटफिट देखना है तो. यहाँ पे एक फैन भी रखा गया है. देयर इज आल्सो अ शेल्फ जो कि आप पैन शॉट में देख सकते हो इस वक्त, जहाँ पे बहुत कुछ कुछ सामान रखा गया है. सो द रूम इज अ टाइनी बिट कंजेस्टेड, बट यहाँ पे ज्यादातर सिर्फ सोने के लिए आते हैं रात में, वरना बाहर ही रहते हम लोग सब. ठीक है, यहाँ पे इको रही मेरी वॉइस, मैंने अभी नोटिस किया. आप लोग को मैंने बताया था ना कि कॉरिडोर कनेक्ट करता है वॉशरूम को. सो दिस इज द बेसिंग एरिया जहाँ पे हाथ वाथ धोते हैं हम लोग. एंड पीछे दिस इज द वॉशरूम विच आई एम नॉट गोना शो यू खोल के. वॉशरूम में भी एक टॉयलेट है, शावर है, और वॉशरूम बड़ा है. एंड दिस इज द ओनली वॉशरूम इन दिस हाउस, दिस इज लाइक अ कॉमन वॉशरूम. और यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में मेरे एक और दरवाजा है, वो आसमान यहाँ पे बाथरूम में मेरी बुआ है, इस वक्त मैंने उनको बोला अभी बता रहा हूँ. साइड में है देयर इज एक दरवाजा, दरवाजे की पीछे भी एक काइंड ऑफ स्टोरेज एरिया है जहाँ पे ऐसे जो भी सामान हम यूज नहीं करते वो रखा गया है, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी. बट या दिस वॉज द कम्प्लीट हाउस. कि तो मैंने आपको ये वाला रूम दिखाया नहीं था, तो अलग से एक कमरा है जो कि घर के जस्ट लगा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे दो बकरी है, हमारी खुद की बकरी है.
स्टोरेज रूम एक्चुअली, जो कि मैं आपको ऐसे खोल के दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लकड़ी वकड़ी का सामान काफी रखा गया है। सो दिस इज द स्टोरेज एरिया, जो कि बहुत साल पहले किचन हुआ करता था, ठीक है, ये पूरा कवर हुआ करता था, बट अब किचन वहाँ पे हो गया है मेन घर में, तो दिस इज नाउ लाइक अ स्टोरेज एरिया। सो नाउ आई एम गोना शो यू घर का तालाब, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसमें ज्यादा पानी नहीं है इस वक्त, मैं वहाँ पे बहुत नहाया करती थी बचपन में, अभी तो तालाब में नहीं नहाती हूँ मैं बिल्कुल भी, बड़ी हो गई हूँ मैं, बचपन में नहाया करती थी मैं। तो ये है हमारे नारियल का पेड़। सो ये जो रास्ता जाता है वो गौड़िया स्लैश तालाब के लिए जाता है, और ये जो नारियल का पेड़ आप लोग देख रहे हो जो कि बहुत ही विशाल है, ये मेरे ठाकुर पापा ने लगाया था। एंड नाउ आई एम गोना शो यू गौड़िया। चलो गौड़िया दिखाने से पहले, मतलब तालाब दिखाने से पहले, मैं आपको किचन गार्डन भी दिखा देती हूँ, जो कि मेरे जस्ट पीछे, दिस इज द गेट टू द किचन गार्डन। मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं यहाँ बहुत रेयरली आती हूँ, बट चंदा को आइडिया है, वो बताएगी क्या क्या है चंदा अंदर। यहाँ पे पपीता का पेड़ है, नींबू का है, और आम का, आम का पेड़, अमरूद का है, मिर्ची है, नारियल है, नारियल है, और जैकफ्रूट, बैगन, केला, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ है, ऑल इन वन गार्डन है। हाँ, एंड द मेन थिंग इज यहाँ पे ठाकुर बाबा की समाधि है, जो मेरे औजा, हाँ इसकी औजा, हाँ इसकी औजा और मेरे ठाकुर बाबा, ठीक है। तो थोड़ा कादो है, कादो की बोली, थोड़ा कीचड़ है, अंदर नहीं जा सकती मैं, बट आप समझ जाओ कि क्या क्या पेड़ लगा हुआ है। बाउंड्री बना दी है ऐसे कि जो बांस का पेड़ होता है ना, उससे बनाई गई है बाउंड्री। सो लेट्स गो, अब हम तालाब देखेंगे, दैट्स द लास्ट थिंग टू द हाउस, कम ऑन। थोड़ा ना कीचड़ हो गया है तो मैं एकदम वहाँ नहीं जा सकती, पर आपको मैं ओवरले वाले शॉर्ट्स में दिखा दूंगी मेरा तालाब। बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था, इस वक्त तो पानी काफ़ी कम है, बहुत मतलब अभी यूज़ ही नहीं आ रहा है वो तालाब, इसकी वजह से मेंटेनेंस नहीं है वो, बट जब पूरा पानी भर जाता है ना बहुत ही सुंदर लगता है। मछलियाँ हैं, मछलियाँ हैं तालाब में, इसे पकड़ पकड़ के खाते हैं। बहुत यादें हैं यार मेरी उस तालाब में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक बार मैं और दीदी डूबते डूबते बच्चे भी थे उस तालाब में, तो यहाँ अच्छी बुरी दोनों यादें हैं। गाँव वाले आके नहाते हैं, हम तो अपने बाथरूम में भी नहा रहे हैं, गाँव वाले आके करके तो नहीं जाते, ठीक है। तो बहुत बड़ा सा विशाल सा तालाब है, पहले तो ऐसे स्टोन वगैरह लगा हुआ था तालाब में, बट अभी उन्होंने पूरा सीमेंटेड कर दिया है, क्योंकि बहुत कीचड़ हो जाता है ना यहाँ पे। बस ये सुषमा आंटी लगी हुई कि सारे पेड़ बताओ, कितने पेड़ है आसपास, जामुन का पेड़ है, और कौन सा पेड़, जामुन का, शीशामूर का पेड़ है, नारियल का, बहुत सारा पेड़ है, सागवान का पेड़, बहुत सुंदर है। सो दिस इज द लास्ट हाउस ऑफ दिस गांव, ऑलराइट, ठीक है। तो एकदम घर खत्म हो जाता है ना, तो सब कुछ जंगल जंगल दिखता है, तो हमारे घर में तो बहुत सारे कीड़े आते हैं, ठीक है, जंगल से उड़ उड़ के, पता नहीं वैरायटी ऑफ कीड़ा देखा है मैंने जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, कलरफुल वैरायटीज ऑफ कीड़ा, ठीक है। मेरी झुन्नू आंटी आ गई, गाइस दिस इज माय आंटी झुन्नू आंटी, ये सबसे छोटी है घर में, ठीक है। सो पहले मेरे पापा हैं, फिर बुधिया आंटी, उसके बाद सुषमा आंटी, उसके बाद काका है मेरे जो कि मेरे चाचा हैं, एंड देन झुन्नू आंटी सबसे छोटी वाली आंटी है। ऑलराइट, सो दिस इज द हाउस टूर गाइस, आई रियली होप यू एंजॉयड द हाउस टूर, एंड आपको अच्छा लगा मेरा ये गांव, मेरा ये घर। बहुत साल बाद आई थी तो मैंने सोचा कि एक हाउस टूर कर लेती हूँ, मेरे लिए भी यादें हो जाएंगी, आपको भी देखने को मिल जाएगा, इनके लिए भी यादें हो जाएंगी हमेशा के लिए, ये YouTube पे तो रहेगा। तो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, डू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट, लेट मी नो कैसा लगा आपको मेरा ये गाँव का घर, एंड आई एम गोना सी यू गाइस प्रीटी सून विद अ ब्रांड न्यू कॉन्टेंट ऑन दिस चैनल। बाय कर दियो, समझते, बाय।